आज हम घृत कुमारी की बात करेंगे। इसको अलोए वीरा या अलोए बार्बाडेंस के नाम से जानते हैं। वीरा का मतलब ट्रू होता है। इसके फ्लैसी लीव्स हैं जिसके अंदर म्यूसिलेजिनस मटेरियल मिलता है और इसका प्रोपेगेशन स्टोलोन के माध्यम से किया जाता है। यह है एस्फोडिलेसी फैमिली का है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोमेनोज, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैलिक, सिट्रिक एंड टार्ट्रिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अगर हम औषधीय गुणों की बात करें, यकृत और प्लीहा वृद्धि के लिए इसका जूस बनाकर पिया जाता है। और अगर चर्म विकार हैं, अर्श की समस्या है या व्रण रोपण में हम इसका बाहलेप लगा सकते हैं। विषम ज्वर की स्थिति में एक चम्मच जूस 2 से 4 काली मिर्च के दाने के साथ दिया जा सकता है। जीर्ण ज्वर में 1 चम्मच रस और 2 ग्राम हर्ड का चूर्ण दिया जाता है। जलोदर, यकृतोदर और पीलियोदर की केस में 2 चम्मच घृतकुमारी का सेवन 2 ग्राम काली मिर्च पाउडर के साथ करना चाहिए। और अगर जुकाम की समस्या बनी हुई है तो इसके 5 से 10 ml जूस के अंदर एक चुटकी हल्दी और अजवाइन का चूर्ण मिलाकर हमें पिलाना चाहिए। गंड की समस्या हो तो घृत कुमारी और हल्दी का चूर्ण का पीस कर पुल्टिस बना लेनी चाहिए और उसको बांधना चाहिए। दुष्ट वरण में इसकी जो मूल है उसको गोमूत्र के साथ पीस कर पुल्टिस बनाकर घाव पर बांधना चाहिए। और रक्तपित्त की समस्या होती है तो इसके रस को आंवले के रस के साथ मिलाकर पीना चाहिए। अगर आंवले का रस ना हो तो गिलोय के रस के साथ भी मिला के पिया जा सकता है। ध्यान ये रखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फिनोलिक एंड ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में मिनरल डिसबैलेंस कर सकते हैं, जिसके कारण कई बार ज्वाइंट पेन की समस्या भी हो जाती है। ज़्यादा मात्रा लेने से बचें और लंबे समय तक ना लें। 3 महीने से ज़्यादा लेने के बाद कम से कम 15 दिन का हमें ब्रेक करना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकें। कई बार ज़्यादा मात्रा में लेने से शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा भी कम हो जाती है। इसका डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी विशेष योगदान है। यह शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से पेनक्रियाज को स्टीमुलेट करके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं लेकिन हमें इसका उपयोग, इसकी मात्रा, इसका सेवन का योग, सभी चीज़ें ध्यान में रखकर लेनी चाहिए। आज जो जो प्लांट आपके सामने रखा है इसका सेवन हमें सावधानी के साथ करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा लेने से हमें बचना चाहिए। फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे और आपकी कुछ समस्याएं होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। प्रणाम।